wind in my hair and the sand in my shoes. Could've chosen anyone, but I choose you. Hop back in your car, top down. There's no stopping us, cause we own this town. Never knew I could have such fun. Hi guys, welcome to my channel UC Speaks. और आज आप मेरे पीछे देख ही रहे हो कि कौन सा स्टेशन है जो लिखा हुआ है, और आपको पता ही चल गया होगा कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। तो अगर आप मेरे यहाँ पे पीछे देख रहे हो तो ये नेरल स्टेशन है। हम यहाँ से अब जाएंगे माथेरान, तो हम माथेरान एक्सप्लोर करेंगे। हम कैसे जाएंगे, हम आपको सारी डिटेल्स अभी हम आपको आगे आगे बताएंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर नाउ। तो गाइस यहाँ पे मैं माथेरान, आप माथेरान दो तरीके से आ सकते हो, बाय रोड भी आ सकते हो और बाय ट्रेन से। तो मैं यहाँ पे दादर से लेके मैंने यहाँ पे नेरल जंक्शन पे मैं उतर गई, और अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो कि टिकट के प्राइसेस भी लिखे हुए हैं और टाइम टेबल भी है। अगर आप देखोगे कि सुबह में 8:50 की एक ट्रेन है और 2:20 की ट्रेन है, तो 8:50 की ट्रेन है वो आपको 11:30 बजे पहुँचाएगी, लगभग 3 घंटे की जर्नी है। और आप यहाँ पे लोग आते हैं वेकेशन के लिए भी आते हैं, हॉलीडेज के लिए भी आते हैं। तो मैं आपको डेफिनेटली प्राइसेस भी बता दूंगी कि एडल्ट और चाइल्ड के क्या है, जो मेरे स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर आवर ट्रिप नाउ। तो जैसे मैंने आपको माथेरान के ट्रेन के टाइमिंग दिखाया, अभी फिलहाल क्या है कि ट्रेन के टाइमिंग जो है वो 2 ट्रेन ही जाती है और बहुत फुल होती है। तो अगर आपने ट्रेन भी मिस की है तो मेरे पीछे आप अगेन देख सकते हो कि यहाँ पे शेयरिंग कैब्स भी मिलती है, जो अडल्ट के लिए पर पर्सन 100 रुपीज है और चाइल्ड के लिए 50 रुपीज है। सो हम इसमें जाएंगे और हम एक्सप्लोर और भी आगे। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे हम लोग 21 किलोमीटर हमने यहाँ से नीचे से गाड़ी ली, जो बहुत सारे घाट्स थे। और अगर आप वहाँ पे यूज टू नहीं हो जैसे मेरी तरफ, बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू इट, तो मुझे इतने चक्कर आ रहे थे। अरे मुझे चक्कर आने लग गए। 21 किलोमीटर है और यहाँ पे जब आप माथेरान का एंट्री लेते हो अंगन लॉन्च के लिए, तो आपको 50 रुपीज अडल्ट की टिकट है और 25 रुपीज चाइल्ड की है। और अभी आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सारे रिसॉर्ट्स भी आपको दिखेंगे, जैसे कि ये एमपीडीसी माथेरान रिसॉर्ट भी है और आपको आगे कई जगह पे मिलेंगे। और यहाँ पे और एक चीज़ है, यहाँ पे मिनी ट्रेन भी मिलती है अमन लॉन से, तो हम चेक करेंगे अगर उसकी टिकट्स मिलती है तो हम जाएंगे, नहीं तो फिर वहाँ से हमको 2 किलोमीटर तक माथेरान जाना पड़ेगा। You are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. तो अभी आपने जैसे देखा, जैसे ही हम अमन लॉन्च की तरफ एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे आपको केरी दिख रही है, पेरू दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको हाथगाड़ी भी दिख रहे हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आ रहे हो आप हाथगाड़ी भी ले सकते हो। और जैसे जैसे आप मेरे पीछे भी देखोगे कि यहाँ पे घोड़ा भी है, आप घोड़े की भी सवारी ले सकते हो। और डेफिनेटली आपको यहाँ पे बार्गेनिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी दिख रहा है तो कैब्स। जैसे जैसे आगे जाएंगे हम आपको हर एक चीज बताते जाएंगे। हमारा रे बाबा, 1100 रुपए और कौन सा कौन सा पॉइंट कवर होगा? और सिर्फ सवारी लेनी हो तो घोड़े की मार्केट जाएंगे, होटल जाएंगे 550 मार्केट जाएंगे, मार्केट जाएंगे तो 450 होटल 550 अभी हम यहाँ पे जैसे मैंने बोला हम अमन लॉन्च पे आ गए हैं, वो अमन लॉन्च की स्टेशन है। और अभी हम मार्केट की तरफ जाएंगे। मार्केट के जाने के लिए आप ये रेल का भी सारा ले सकते हो, ट्रैक का भी सारा ले सकते हो, वहाँ से रास्ता भी जाता है। और आप इतने सारे लोग हैं, घोड़ा गाड़ी है, सब जगह पे है, तो हम जाके अभी एक्सप्लोर करते हैं। जो अगर आप देख रहे हो जो पटरी
किलोमीटर की ये रास्ता है, तो हम जाएंगे और इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। और एक चीज़ है कि जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो सर्विसेज जो टॉय ट्रेन की है वो जस्ट चालू हुई थी अक्टूबर मंथ में, और अक्टूबर मंथ में क्योंकि उसके पहले 3 साल तक ये टॉय ट्रेन बंद थी क्योंकि बारिश के कारण, हैवी रेन्स के कारण इसको बंद किया गया था, और फिर वो अमन लॉन से ही चालू हो गई थी। तो अभी मैं इनफैक्ट मैं भी खुद अभी 12-13 साल के बाद आ रही हूँ, तो हम देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ है। अगर आप वो बाजू देखोगे वहाँ वो साइड पे, तो वो रास्ते की तरफ जा रहा है, आप ये रास्ता भी ले सकते हो या आप ट्रैक से भी चल के आप मार्केट पहुँच सकते हो। तो हम चलते चलते मायरा पॉइंट की तरफ आ चुके हैं, तो हम आपको वहां से दिखाएंगे कि मायरा पॉइंट में व्यू कैसा दिखता है। तो लेट्स गो नाउ। यू आर द समवन आई बीन ट्राइंग टू मीट, आई गॉट योर नंबर, वोंट यू पिक अप द फोन। सो ये मायरा जो पॉइंट है, अभी हम ये मायरा पॉइंट पे आ चुके हैं, और ये जो मायरा पॉइंट है वो अगर आप देख रहे हो कि वो माउंटेन्स वहाँ से कितने सुंदर दिख रहे हैं, इतना वाटरफॉल, जब आप बारिश के सीज़न में आओगे तो आपको पूरा वाटरफॉल दिखेगा। और ये जो समुद्र है 2000 फीट अबव सी लेवल है, तो आप डेफिनेटली ये पॉइंट पे आइए और आपको यहाँ पे एकदम शांति मिलेगी और आप जस्ट उसका व्यू को एंजॉय करोगे। जैसे ही मैं अभी माथेरान पहुंची, तो माथेरान पे चलते चलते तो पहले मार्केट आपको दिखाएंगी, कपाड़िया मार्केट। और मार्केट से पहला स्टॉप मुझे जो दिखा है वो शिवाजी महाराज का गार्डन से बनाया हुआ ये पूरा जो गार्डन है, नाम इनका शिवाजी महाराज उद्यान है। सो आप देख सकते हो बहुत पीसफुल है, शांति है। तो अभी हम आए हैं खंडाला पॉइंट, ये अभी हम तीसरे पॉइंट पे आए हैं। पहले तो एक था फर्स्ट मायरा पॉइंट, फिर हम आते आते आए हम वो शिवाजी महाराज का गार्डन हमने वहाँ पे देखा, फिर इनफैक्ट ये दूसरा पॉइंट है जो है खंडाला पॉइंट, और अभी हम वहाँ पे देखेंगे कि खंडाला पॉइंट से क्या व्यू हमको दिखने मिल रहा है। देख सकते हो ये जो पूरा व्यू है यहाँ पे माउंटेन दिखता है, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। तो आप देखोगे कि व्यू एकदम मस्त है, बहुत सही है। अगर आप रेनी सीजन में, जैसे मैंने पहले भी कहा, रेनी सीजन में आओगे तो आपको ये बहुत ही व्यू जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे वो वैली दिख रही है पीछे, और हर जगह पे आपको मोस्टली वाटरफॉल्स भी दिखेंगे आपको। तो गाइज यहाँ पे अभी आपको 4 पॉइंट दिखेंगे, यहाँ से आपको पुलिस स्टेशन भी है, सालट लेक है, इको पॉइंट है, लूसिया पॉइंट भी है। तो हम ये रास्ता ना लेते हुए हम ये रास्ता लेंगे, क्योंकि हमको ये रास्ते में भी एक चर्च है, तो वो हम एक्सप्लोर करेंगे अगर हमको दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे भी कोई 2 चर्चेस बहुत फेमस है, तो दिखेगा तो वी विल डेफिनेटली गो देयर एज़ वेल। चलो, तो जैसे मैंने बोला कि मैं आपको चर्च दिखाऊंगी, ये होली क्रॉस चर्च है माथेरान का, और डेफिनेटली मैं आपको अंदर का क्लिप दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जैसे ही अंदर बात करती थी तो एको हो रहा था। तो वो चर्च बहुत ही सुंदर है, जैसे मैंने बोला लूसिया पॉइंट और शार्लेट पॉइंट और जो पुलिस स्टेशन है वो रास्ते से आप आएंगे तो आपको ये चर्च दिखेगा। तो ऑन द वे ये चर्च आप ज़रूर जाइएगा। You are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. अभी हमने जैसे चर्च देखा, और एक मंदिर बीच में आता है जो है शिव मंदिर, और यहाँ से हम जाएंगे और इनके भी दर्शन लेंगे। तो हम जैसे कोई भी मंदिर में आते हैं तो पहले हम तुलसी देखते हैं, तो तुलसी भगवान के भी हम दर्शन कर लेते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे शिव मंदिर जी के दर्शन करने के लिए। काफ़ी बड़ा दिखता है ये पूरा मंदिर, और बहुत ही शांत है ये जगह ही।
और इतने नेचर में ये बसा हुआ है कि आप पूछे नहीं। हम बाहर से ही थोड़ा दर्शन कर लेंगे, जबकि हम अंदर जा सकते हैं, बट हम बाहर से ही दर्शन कर लेंगे। तो ये मार्केट है, जैसे ये मार्केट में आप देखोगे ये भाग्यश्री बैग है, जहाँ पे जेन्यून लेदर की शॉप है। यहाँ पे आपको पर्स बैग सब मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पे वेज रेस्टोरेंट भी है। अगर आप गोकुल रेस्टोरेंट है, आगे आगे आप चलोगे तो आपको और भी नॉन वेज और वेज के रेस्टोरेंट मिलेंगे। तो ये पूरा आप देखोगे पूरा इंटायर मार्केट ही है, जहाँ पे जूते वगैरह सब मिलते हैं। और यहाँ पे चिक्की हनी जो है माथेरान की फेमस है, तो हम वो भी ट्राई करेंगे अगर चिक्की मिलेगी और हम वो भी लेंगे। तो ये मेन मार्केट है, आप मेन मार्केट को एक्सप्लोर करो, जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा और आप यहाँ पे जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। ये नरीमन चिक्की ये बहुत फेमस है, तो हम जाके वहाँ पे पूछेंगे कि कौन सी चिक्की फेमस है, कैसी है, और हम उसको ट्राई करेंगे। चलो चलते हैं। तो आपने अभी देखा कि लोगों ने चिक्की के प्राइजेस बताए, और यहाँ पे इनकी रोज चिक्की फेमस है, मिक्स चिक्की फेमस है, कोकोनट जो है वो भी उनकी फेमस है चिक्की। तो आप यहाँ पे आइए और ट्राई जरूर कीजिए। अभी हम ये शार्लेट पॉइंट आ चुके हैं, और इसको ये शार्लेट लेक भी है। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट खासियत ये है कि यहाँ के जो माथेरान में जो लोग रहते हैं, यही पानी का पीने का जो है वो सप्लाई होता है और सभी घरों में जाता है। ऑब्वियसली प्योरीफाई करके होते हुए ही जाता है ये। और फिर यहाँ से हम आगे जाएंगे एको पॉइंट पे, और वो भी एक पॉइंट हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। तो जैसे आपने देखा, मैंने बताया कि शार्लेट पॉइंट से हम एको पॉइंट जाने वाले थे, बट उसके पहले ये सीलिया पॉइंट आता है। तो हम पहले ये सीलिया पॉइंट देख रहे हैं। अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो माउंटेन्स का व्यू इतना सुंदर लग रहा है। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर बारिश होती थी तो कितना और भी अच्छा लगता था। तो बहुत ही सुंदर है, इतना पीसफुल है ये हिल स्टेशन। आप आइए डेफिनेटली वीकेंड्स में, ये दो दिन यहाँ पे आप एक्सप्लोर कीजिए। सैटरडे संडे आप रह सकते हैं, तो आप आइए और ये हिल स्टेशन माथेरान डेफिनेटली एंजॉय कीजिए। You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. तो ये एको पॉइंट है, और यहाँ से मैं डेफिनेटली चिल्लाऊंगी। अगर सभी को बोलना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को करो, तो मैं जस्ट ये बोलूंगी और देखूंगी कि एको पॉइंट वाकई ही एको हो रहा है कि नहीं। चलो ट्राई करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
लग तो डेफिनेटली नहीं रहा है, सिर्फ ये इको पॉइंट लिखने के लिए लिखा है, बट ये डेफिनेटली नहीं है, दैट इज फॉर श्योर आई कैन टेल यू। पर लेकिन व्यू बहुत ही सुंदर सा है, अगर आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा है। मॉनसून में भी आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम ये शॉपिंग मार्केट आ चुके हैं माथेरान की। यहाँ पे आपको काफ़ी रेस्टोरेंट दिखेंगे, प्लस यहाँ पे आपको काफ़ी शॉप्स दिखेंगे, कैप के, ग्लेयर्स के, बैग्स है, हैंड बैग्स है, बेल्ट, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। तो ये शॉपिंग जो प्लेस है माथेरान का, यहाँ पे आपको किचन्स भी दिखेंगे, बैंगल्स, ईयरिंग्स, और हम आगे आगे भी आपको दिखाएंगे। देखिए बैग की दुकान, जूते, खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं यहाँ पे। तो आप डेफिनेटली माथेरान आइए, एक्सप्लोर कीजिए। हम तो एक दिन के लिए आए हैं, सो वन डे के लिए हमने 4-5 पॉइंट्स देखे और अभी हम शॉपिंग मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उसके बाद हम ये होने के बाद हम खाना खाने के लिए जाएंगे, और फिर वहाँ से वापस हमारी जो शुरुआत है माथेरान से लेके अमन लॉन्च तक हम चलते हुए जाएंगे। तो देखते हैं और शॉपिंग मार्केट में क्या क्या मिल रहा है। बेसिकली इसको कपाड़िया मार्केट भी बोलते हैं, और ये मेमोरी जो कपाड़िया जी थे उन्होंने अपने वाइफ के लिए ये मार्केट को ये बनाया है, तो इसके लिए इसको कपाड़िया मार्केट बोलते हैं। और आपको यहाँ पे काफ़ी होटल्स भी दिखेंगे, कॉटेजेस भी दिखेंगे, जो आपको 1000 से लेके 6000 तक आपको मिलेंगे, और वीकेंड्स में डेफिनेटली प्राइजेस जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि आप वीकेंड्स में आते हो, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे वीकेंड्स में ही आते हैं, तो प्राइजेस कॉटेजेस और होटल्स के काफ़ी ज़्यादा हैं। आप और डेज पे आओगे तो डेफिनेटली आपको वही रेट आपको कम मिलेगा। सो काफ़ी होटल्स, कॉटेजेस और बहुत सारी यहाँ पे बंगलोज भी मिलते हैं। अगर आप देखो यहाँ पे भी देखिए बैंगल्स वगैरह सब कुछ है, तो यहाँ पे आपको चिक्की भी यहाँ पे फेमस है माथेरान की। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो चिक्की और हनी जो बोलते हैं फेमस है, तो आप यहाँ पे आइए चिक्की खरीदने। यहाँ पे आपने देखा कि जूते भी मिलते हैं, कोई 100 रुपीज़ के भी है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 रुपीज़ के भी जूते हैं। वैरायटीज़ काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स मिल जाएगी खाने पीने की, जो प्योर वेज की भी है, प्लस नॉन वेज की भी है। बैग की भी आपको शॉप्स काफ़ी दिख रही है वहाँ पे भी, तो इधर आइए और आप बार्गेन डेफिनेटली कीजिए। और माथेरान में हमने ये जो पॉइंट है हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आप अगर देख रहे हो ये कपाड़िया मेमोरियल मार्केट है जो पीछे लिखा हुआ है, और वहाँ पे अभी हम अंदर जाएंगे। तो आपको अगर अंदर देखोगे तो यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें दिखेंगी, स्टोर दिखेंगे। फिलहाल के लिए ये खाने पीने का थोड़ी चीज़ें बंद है, बट यहाँ पे अगर आप आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मार्केट है, भाजी की मार्केट है, जहाँ पर आपको यहाँ पर पूरे केले, टमाटर और संतरे, आलू, सब्जियाँ सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगी। ये माथेरान की मार्केट है, यहाँ पे आपको फ्रूट्स वगैरह सभी मिलेंगे, और आपको कभी भी चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइस माथेरान की जो एक खासियत ये है कि यहाँ पे ना व्हीकल्स अलाउड ही नहीं है, बिकॉज ये हिल स्टेशन है, यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है, और इसकी खासियत ही ये है
यहाँ पे आपको घोड़े दिखेंगे और हाथगाड़ी दिखेगी, तो आपको वहाँ से ही जाना है। अभी मैं फ़िलहाल मेरा ये ब्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। जो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूसी स्पीक्स, और आगे के मेरे जो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन रखें तो मेरे आगे के ब्लॉग्स होंगे जो पता चलेंगे। अब हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे चलते चलते 2 किलोमीटर अमन लॉज की तरफ, और वहाँ से हम टैक्सी लेंगे जो अगेन 100 रुपीज़ की होगी। फिर वहाँ से हम नेरल होते हुए अपने घर की ओर बढ़ेंगे। सो थैंक यू, सी या, बाय बाय। आई लुक एट यू एंड इट्स इजी टू सी यू आर द समवन आई हैव बीन ट्राइंग टू मीट। आई गॉट योर नंबर, वोंट यू पिक अप द फोन।